स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बीओ लेसन 11 यानी प्रबंध का मैथ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस चैप्टर में यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रबंध किसे कहते हैं और प्रबंध के महत्व का वर्णन करो। जो प्रबंध के महत्व के जो हेडिंग होंगे उसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक वर्ष में कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में से एक भी प्रश्न ना पूछा गया हो। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आप भी इसको अच्छे से समझना। देखो, ये सब आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। प्रश्न है, प्रबंध का अर्थ बताइए तथा इसके बढ़ते हुए महत्व का वर्णन कीजिए। डिट टू डिट ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आता है पेपर में पूछने के लिए। इसमें कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं देता। तो सबसे पहले इसे करने के लिए प्रबंध का अर्थ लिखेंगे। तो प्रबंध एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है, जैसा पहली वीडियो में भी प्रबंध का अर्थ बताया था, जो व्यवसाय के अंतर्गत नियोजन व नियंत्रण का कार्य करती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है। जिसके द्वारा कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है, कहने का मतलब है कि प्रबंध एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारियों से काम लेते हैं। इसके बाद इसकी परिभाषा, एलन के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है? प्रबंध वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। इसके बाद एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि सबसे ऊपर क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे मैंस यानी जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाएंगे, देख लीजिए एक बार ढंग से डायग्राम को और कॉपी कर लेना। इसके बाद सीधा आ जाएंगे प्रबंध के महत्व पे। प्रबंध के महत्व, अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के महत्वों को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहला होता है अप्रयुक्त साधन। अप्रयुक्त साधन का मतलब क्या होता है? जो साधन हमारे लिए उपयुक्त ना हो। हमारा भारत देश प्राकृतिक रूप से बड़ा धनी है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग बहुत ही निर्धन हैं। इसलिए प्रकृति के उचित दोहन की आवश्यकता है। यह एक उचित दोहन एक सफल व श्रेष्ठ प्रबंध द्वारा ही की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि हमारा भारत देश जो है वो प्राकृतिक रूप से बड़ा धनी है। यहाँ पर जंगल, जड़ी बूटियां, कच्चे माल की अधिक से अधिक प्राप्ति की जा सकती है। जितना जरूरी हो जंगल से उतना कच्चा माल प्राप्त किया जाए, लेकिन ये किसके द्वारा संभव है? ये एक अच्छे मैनेजमेंट द्वारा ही संभव हो सकता है। अगला हेडिंग है हमारा, अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था। भारत में रोजगार की गति बहुत धीमी है, पर यहाँ पर 40,000 से ज्यादा प्रबंधकों की आवश्यकता है। यह सिद्ध हो चुका है कि जो आईएएस अधिकारी हैं वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते, अतः यहाँ पर अच्छे व श्रेष्ठ प्रबंध की आवश्यकता है। शेष नहीं है, श्रेष्ठ। एक बच्चे की कॉपी है ये। एक श्रेष्ठ प्रबंध की आवश्यकता है। जब हमारे भारत में प्रबंधकों की यानी मैनेजर्स की कमी थी, जो हमारे आईएएस अधिकारी थे उनको इनके पद पर नियुक्त किया गया, तो बाद में ये रिजल्ट आया कि ये लोग हमारे यहाँ मैनेजमेंट करने लायक नहीं हैं। इसीलिए अच्छे प्रकार से मैनेजमेंट करने के लिए एक अच्छे ही मैनेजर की आवश्यकता होती है, जिससे भारत में अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था हो। अगला हेडिंग है, औद्योगिक संघर्षों को कम करना। आए दिन भारत में उद्योगों में हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, काम धीरे करो आदि सामान्य घटनाएं चलती रहती हैं। इन औद्योगिक संघर्ष को कम करने के लिए एक मानसिक या इनकी मानसिकता को बदलने के लिए एक सफल व्यापारी की, एक सफल प्रबंधक की आवश्यकता होती है, जो आए दिन चलने वाले घेराव, तालाबंदी यानी बाजार में घेराव करने वाले, तालाबंदी करने वाले, इन सभी लोगों को समझाकर
अच्छे प्रकार का मैनेजमेंट करे, इसी के माध्यम से हम इस औद्योगिक संघर्ष को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें एक प्रबंध की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें एक प्रबंध की जरूरत होती है। अगला हेडिंग है उत्पादन की लागत कम करने के लिए। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितनी लागत आ रही है, इस चीज का एनालिसिस करना। यदि व्यापार में किसी कुशल कोई कुशल प्रबंधक ना हो तो माल का ज्यादा अपव्यय होता है। माल के ज्यादा अपव्यय से क्या मतलब है कि माल के अंदर लगने वाली जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा आती है। बिना जानकारी के कोई भी मजदूरी या किसी भी टेक्निक का प्रयोग नहीं कर सकता। उस टेक्निक का प्रयोग करने के लिए एक पढ़े लिखे तथा एक सफल प्रबंधक की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें प्रबंध बहुत आवश्यक है। अगला हेडिंग है प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। हमारे देश में कई प्रकार की व्यवसायिक इकाइयों का काम होता है। व्यवसायिक इकाइयों का मतलब कि तरह तरह की व्यवसायिक चीजें बनाई जाती हैं, जिससे उत्पादन की लागत अधिक हो जाती है और अन्य वस्तुओं के सामने वह नहीं टिक पाती। एक कुशल प्रबंधक के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी कि एक प्रबंधक के द्वारा ऐसी युक्ति लगाई जा सकती है जैसा मैंने पिछली वीडियो में साबुन वाला एग्जाम्पल दिया था, यानी उसी के आधार से कि उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए और लोगों की जेब पर भी उसका फर्क ना पड़े। इन हेडिंगों का ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, इसको देख लीजिए। सारे हेडिंग इस तरीके से लिख सकते हैं इसके चारों तरफ। अगला है पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए। एक प्रबंधक, हमारे भारत देश में पूंजी निर्माण की दर बहुत ही धीमी है, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे पूंजी निर्माण होता है। देशों के मुताबिक यहाँ पर पूंजी निर्माण की दर बहुत ही धीमी है। पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने के लिए देश में तीव्र औद्योगीकरण करने के लिए श्रेष्ठ व कुशल प्रबंधक की ही आवश्यकता होती है। बिना एक अच्छे मैनेजमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगला हेडिंग है नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए। आज का युग नए वैज्ञानिक का युग है, नई नई वैज्ञानिक खोजों का युग है, नई वैज्ञानिक तकनीकों का युग है। इस नई नई तकनीकी में आने वाले नए नए उपकरण का प्रयोग, किस तरीके से उनका लाभ उठाया जाना है, वह सब एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक द्वारा ही संभव हो सॉरी एक श्रेष्ठ प्रबंधक द्वारा ही संभव हो सकता है। विदेशी प्रबंधकों का स्थान लेने के लिए भारत में आज कई कारखानों में विदेशी प्रबंधक कार्य कर रहे हैं। इन प्रबंधकों के स्थान पर भारतीय प्रबंधकों की आवश्यकता है, इसीलिए प्रबंधकों के महत्व को बढ़ाया गया। समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए आज भारत को आर्थिक शांति प्रदान करने तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए अधिक से अधिक श्रेष्ठ प्रबंधकों का महत्व बढ़ता जा रहा है। देश में तीव्र औद्योगिकरण में सहायक प्रबंध द्वारा देश की प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन आवश्यक है, जिसके द्वारा देश के तीव्र औद्योगिकरण किया जा सकता है। यह सब एक प्रबंधक द्वारा ही सुलभ हो सका है। यानी प्रबंध के द्वारा जो हम औद्योगिकरण करेंगे वहां पे अच्छा कटाव करके और उसी के द्वारा ही हम उचित दोहन किया जा सकता है, जिससे हमारे देश में तीव्र औद्योगिकरण किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा यदि औद्योगिकरण होगा तो हमारे यहाँ अच्छी कंपनियां आएंगी और हमारे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था होगी। तो हमारे प्रबंध के महत्व क्या कहलाते हैं? अप्रयुक्त साधन, अधिक से अधिक समाजवादी समाज की व्यवस्था करनी है, रोजगार उपयुक्त कराने हैं, औद्योगिक संघर्ष को कम करना है, देश में तीव्र औद्योगिकरण करना है, पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना है। इन सभी को चीजों को देखते हुए हमें एक प्रबंध की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें प्रबंध के महत्व की बहुत जरूरत है। थैंक यू।